इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए कभी कभी आपको इस तरीके से इशू आता है आपके ऐप पुश ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड पर, वहाँ पर लिखा हुआ आता है रिमूव परमिशन डिलीटेड टेम्परेली फाइल्स एंड स्टॉप नोटिफिकेशंस। तो इस तरीके से ऐसा क्यों आता है लिखा हुआ, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाते हैं अपने फ़ोन की, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे जैसे कि, तो उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से सेटिंग्स हमें दिख जाएंगी बहुत सारी, और यहाँ पर ऐप्स में जाते हैं और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर जाते हैं, तो जिस भी एप्लीकेशन को खोलते हैं वहाँ से हमें डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन जैसे कि हम पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशंस पर इसको खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिंग्स, जैसे हम सेटिंग्स को खोलते हैं तो यहाँ पर इसको खोलने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, जब पुश टैप एक्टिविटी पर जाते हैं, बाहर से तो देखिए ये क्लिकेबल होगी ही नहीं, स्टार्टेबल होगी ही नहीं, बट यहाँ पर ये जो है ये वाली जो, तो ये गाइस बंद क्यों रहती है, क्योंकि गाइस बंद इस वजह से रहती है कि यहाँ पर हम किसी भी परमिशन को डिसेबल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डिसेबल्ड ये जो है ये जितनी भी परमिशन है इस एप्लीकेशन की ये ऑपरेट करती हैं सारी परमिशंस को। अगर आप बंद करेंगे तो आपके डिवाइस में एरर आ सकता है, आपका फ़ोन जो है यहाँ पर कुछ दिक्कत भी दिखा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर गूगल इन एप्लीकेशंस की परमिशन को बंद नहीं करता। और ये जो ऐप है ये अनयूज्ड एक्टिविटी को बंद करने के लिए या चालू करने के लिए होता है सब एप्लीकेशन में, लेकिन इन एप्लीकेशन में जब परमिशन ही टर्न ऑन या टर्न ऑफ नहीं होती है, जो चलती ही रहती हैं, उनमें आप अनयूज्ड कैसे लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिमूव परमिशन टेम्परेली फाइल्स एंड स्टॉप नोटिफिकेशन आपको लिखा हुआ आता ही होगा इस पर। तो ये इसका सिस्टम रहता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।